दोस्तों यहाँ पर साइड में आप लोग एक मैसेज देख सकते हैं जो कि मेरे मोबाइल फ़ोन पर आया हुआ है, वी की तरफ से आया है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेसन यू गॉट इट 1 GB डेली डाटा फ्री। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, फ्री लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री मुझे 7 दिनों के लिए 7 GB डाटा मिला है, जिसे मैं 1 GB डेली कर यूज कर सकता हूँ, और आप सभी को भी ये डाटा मिल सकता है। तो ये डाटा किसको मिलता है और किन कारणों से मिलता है, आपको भी कैसे मिल सकता है, ये सब कुछ जानने के लिए आप सभी लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं डिटेल में कि कैसे आप सभी को VSA फ्री में डाटा मिल सकता है, जैसे कि मुझे यहाँ पर मिला हुआ है, अगर आपके पास एक वी सिम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग सबसे पहले ऊपर देख सकते हैं एक वी केयर का मैसेज आया हुआ है, यानी कि ये वी की तरफ से आया है ऑफिशियली। तो यहाँ पर क्या मैसेज है, चलिए मैं ओपन कर आप सभी को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है, डियर कस्टमर यू हैव गॉट फ्री 1 GB डेली डाटा फॉर 7 डेज। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं फ्री, ठीक है, यहाँ पर मुझे फ्री में ये 7 GB डाटा मिला है 7 दिनों के लिए, जिसे मैं 1 GB डेली कर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सेम मैसेज आया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे आप लोग को मैं अगर एक सेकेंड दिखाता हूँ कि ये डेट क्या है, तो यहाँ पर आप सभी लोग इसका डेट देख सकते हैं, एस्टरडे, ठीक है। तो ये कल का मैसेज है, तो आज है यहाँ पर 21 मार्च 2021। तो ये यानी कि 20 मार्च 2021 का मैसेज आया हुआ है, जहाँ पर मुझे 7 GB डाटा फ्री मिला है। तो ये क्यों मिला है, चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे ऊपर कांग्रेचुलेसन मोबाइल सर्विस हैव बीन रिस्टोर्ड योर फॉर योर नंबर, ठीक है। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि आपके मोबाइल सर्विस को रिस्टोर्ड कर दिया गया है। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब है कि मैंने इस पर पिछले 1 महीने से कोई भी रिचार्ज नहीं करा रखा था, इसकी आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों बंद हो रखी थी। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही वी वालों ने इस सर्विस को, मेरे सर्विस को, मोबाइल सर्विस को रिस्टोर्ड कर दिया है, वो भी 7 दिनों के लिए, जहाँ पर मुझे आउटगोइंग और इनकमिंग भी मिली है, जो कि आउटगोइंग इनकमिंग जो है उसकी वैलिडिटी 2 दिन रहेगी, और जो भी नेट मिला है उसकी वैलिडिटी रहेगी 7 दिन, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों चालू हो गई है, जिसकी वैलिडिटी रहेगी 2 दिन, और जो डाटा मिला है उसकी वैलिडिटी 7 दिन रहेगी। तो आपके पास भी कोई ऐसा अगर सीम है वी का, जिस पे आपने पिछले मंथ से कोई भी रिचार्ज नहीं करा रखा है, आपकी आउटगोइंग इनकमिंग बंद हो रखी है पिछले 1 महीने से, तो आप सभी लोग चेक करना, हो सकता है कि आपको भी ऐसा कुछ मैसेज आया हुआ हो, और फिर आप जाकर नेट चलाइए या फिर अपने कॉलिंग करिए, सब कुछ आपका फ्री हो रखा होगा। तो दोस्तों यही मैं बताने वाला था इस वीडियो में, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपने भी अपने किसी नंबर पर आउटगोइंग इनकमिंग बंद कर रखा है, पिछले 1 महीने से कोई रिचार्ज नहीं कराया, तो आप लोग जाइए वहां पर चेक करिए, आपको भी हो सकता है फ्री में डाटा मिला हो और आपकी आउटगोइंग इनकमिंग भी चालू हो गई हो। यहां पर मेरा आउटगोइंग इनकमिंग देखिए चालू हो चुका है, वो भी 7 दिनों के लिए, इसके बाद मुझे रिचार्ज कराना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर 7 दिनों के लिए तो मुझे फ्री में सब कुछ मिल चुका है। तो आपको भी मिला होगा, बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, नहीं देख पाते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता है कि जिस नंबर पर हमने रिचार्ज नहीं करा रखा है तो उस पर क्या हमें कुछ मिलेगा। तो वहाँ पर आप लोग चेक करते रहिए, वहाँ पर आप सभी को फ्री में डाटा मिल सकता है, ठीक है। तो जी वीडियो में, इस वीडियो में आपको यही बताने वाला था कि आप लोग अगर आपके पास ऐसा सिम है जिसको आप भूल गए हैं, तो उसको चेक करते रहिएगा रेगुलरली, आपको जरूरी फ्री डाटा मिलेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगी और पसंद भी आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे नए हैं या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, आप तक के लिए बाय बाय।